अस होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारी साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, रविंद्र पांडे होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है बीपी लो होना, गर्मी के कारण बीपी लो होना या लगातार किसी भी सीजन में बीपी लो हो रहा है तो कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। इसका सेवन करने से पूर्ण रूप से बीपी सही होने लगेगा। बीपी सामान्य तौर पर जो बीपी रहता है, जो हेल्दी बीपी मानेंगे उसको, वो 120-80 बीपी रहना चाहिए। लो बीपी में ऊपर वाला बीपी जो 120 होना चाहिए वो 100 से नीचे आने लगता है, और नीचे वाला बीपी जो 80 रहना चाहिए वो 70-60-50 यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कई बार कई कई लोगों को 50 तक भी आने लगता है, 50-80, 50-90, 60-90 ऐसा आने लगता है। तो इसका मतलब बीपी लो की टेंडेंसी है। कई लोगों को बीपी लो की टेंडेंसी होती है। अगर बीपी लो की टेंडेंसी है तो बार बार एक तो जो भी खाने का सोडियम, मतलब खाने में सोडियम की मात्रा, मतलब नमक की मात्रा खाने में बढ़ाएं, और सवेरे दिन में शाम को नियमित खाना खाएं। अगर बीपी लो की टेंडेंसी है तो ब्लड ग्लूकोज लेना चाहिए। बार बार जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कम कम खाना जल्दी जल्दी खाते रहें, और लगातार सेवन करते रहें कुछ कुछ खाने का। कि आपने मान लिया सवेरे 6 बजे उठे हैं तो 8 बजे आपने हल्का नाश्ता कर लिया, नमकीन मीठा नहीं, नमकीन नाश्ता कर लिया। साथ में 10 बजे 11 बजे फिर कोई फ्रूट फूट ले लिए, साथ में हल्का फुल्का उसमें काल नमक डाल लिया, 2 बजे फिर अपना खाना खा लिया। इस तरह से कुछ कुछ बार बार खाते रहें, और उसके बाद भी बीपी लो की टेंडेंसी हो रही है और गर्मी बहुत पड़ रही है, लगातार देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होता है। कुछ कुछ एरिया में, मतलब हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसा है कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री पार हो जाता है। अभी ये अप्रैल का लास्ट चल रहा है, मई का शुरुआत चल रही है, तो ऐसे में कई कई बार बीपी मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी रहने की वजह से बीपी काफ़ी हद तक लो हो जाता है। पसीना बहुत ज़्यादा आने की वजह से बीपी बहुत दो लेता है। तो पानी का सेवन लगातार करें, पानी पीते रहें, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ, इनका सेवन लगातार करने से बीपी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन नेट्रम्यूर। अगर बीपी तुरंत लो हो रहा है तो उसमें 2 बूंदें, 10 मिनट का 2 बूंद ले लेंगे, तो 3 बार ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे, तो तुरंत बीपी जो है लो जो हो रहा है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर बीपी लो की टेंडेंसी है तो 2 बूंदें सवेरे 2 बूंदें दिन में 2 बूंदें शाम को लगातार देंगे 15 दिन तक। अगर कभी ऐसे इमरजेंसी हुई तो उस समय तुरंत ले लें फटाफट। और इसी के साथ में जो अगली मेडिसिन है R44, इसके 20 बूंदें सवेरे 20 बूंदें दिन में 20 बूंदें शाम को लेंगे, आधे कप पानी मिलाते हुए। साथ में नेट्रम्यूर 6X का प्रयोग लगातार करते रहेंगे, 4 गोली सवेरे दिन में शाम को। कभी बीपी तुरंत लो होने पर नेट्रम्यूर 30 का प्रयोग करेंगे, 10 बूंद 2 बूंदें 10 मिनट का 2 बूंद 10 मिनट का 2 बूंद। और वैसे अगर टेंडेंसी हो रही है तो 2 बूंद सवेरे 2 बूंद दिन में 2 बूंद शाम को लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। और साथ ही में R44 का प्रयोग करेंगे, 20 बूंदें सवेरे 20 बूंदें दिन में 20 बूंद शाम को, और साथ में नेट्रम्यूर 6X का 4 गोली सवेरे दिन में शाम को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। नए वीडियो के साथ में कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।